बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे तमाम हजरात, आप सब ठीक होंगे। तो आज का वाक्या आज गजवत आए दोस्तों, जो गजवाए अहद में हुआ था, पेश आया था। तो आपको बता दें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 70 सहाबा इकराम ने शहादत दी थी। और दोस्तों, ये वो शहादत थी कि पूछो मत। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करे करो। और आपको बता दें, इसमें जो सहाबा इकराम की जो सहाबा इकराम जो हमारी वहाँ पे औरतें थी, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उनमें एक सहाबा इकराम सहाबा हजरत आमिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी जंग में से जो थी, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे अपनी दिलो जान से जंग लड़ी थी। तो दोस्तों, ये वो जंग था। तो इसमें आपको हम बता देते हैं किस तरह से इस जंगे में कितने शहादत हुए। तो आपको बता दें, इस गजवाए दो, ये हमारा जंग हुआ था गजवाए अहद। 70 सहाबा शहीद हुए थे, जिनमें अक्सर अंसार थे। बेशिरो सरमानी का ये आलिम था कि कफन के चार चादर भी पूरी ना थी। चुनाचा मसअब बिन अमीर रदी अल्लाह ताला अनु के साथ यही वाक्या पेश आया कि कफन की चादर उस कदर छोटी थी कि सर अक्सर अगर ढका दो तो उसके पैर, उनके पैर खुल जाते हैं, तो पांव खुल जाते थे। और अगर पांव ढके जाते थे तो सर खुल जाता था। तो आपको दोस्तों, ये वो जंग अहद था कि पूछो मत। इस जंग अहद में तो हम जो हमारी जो औरतें, जो सहाबे इकराम जो वहाँ पे औरतें थी, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जंग अहद के बारे में आप समझ ले। तो खुल जाता था, बाला खर ये इरशाद फरमाया, आखिर ये इरशाद फरमाया कि सर ढांक दो और पैरों पर अजखर, यानी कि एक घास का नाम है वहाँ पे, जो उसी को डालने का हुक्म दिया गया। सही बुखारी अजवाए आहद में यही लिखा है। और यही वाक्या सैयदुल शहद शहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला के अनु के साथ पेश आया, जैसा कि मुजम्मद तबरानी में हजरत अबू सईद से और मत दरक हाकिम में अनिस रजी अल्लाह ताला अनु से मरवी है। तबरानी की सनद के सब रावी सका हैं। तो दोस्तों, ये तो ऐसा हमारा ऐसा ही जंग अहद था दोस्तों। इसमें बहुत सारी ऐसी शहादतें होती है, बस पूछो मत। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इसी बारे में। तो आगे आप पूरी बात सुनना। यहाँ पे वो सहाबा इकराम थे दोस्तों, और बाजे के लिए ये भी मेर ना आया, दो दो आदमियों को एक ही चादर में कफन दिया गया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये वो मंजर था, ये ऐसा खतरनाक मंजर था कि पूछो मत। यहाँ कफन भी पूरा ना था दोस्तों। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अंसार के जो सहाबा इकराम थे, अंसार ही शहादत दी गई है उनकी। और दो दो और तीन तीन का लफ्ज सही बुखारी की रवायत में नहीं, बल्कि सगन की रवायत है, जिसके इमाम तरमजी ने तसीह की है। तो दोस्तों, ये वो जंग अहद था। तो इस जंग अहद में दोस्तों, कितना बहुत ही ज़्यादा सहाबा इकराम हमारे शहीद हुए हैं मेरे दोस्तों। फताल बारिश सन 169 जी हिजरी 3 में किताब अलजायर को मिलाकर एक कब्र में दफन किया गया। दफन के वक्त ये दरियाफ्त फरमाते कि उनमें से ज़्यादा कुरान किसको याद है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता उसी को किबला रुख लहद में आगे रखते। और ये इरशाद फरमाते, दोस्तों कयामत के दिन मैं उन लोगों के हक में शहादत दूंगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, ये हमने थोड़ा सा एक वाक्या बताया है, आपको सामने पेश किया है। तो अब हम आपको बताएंगे, जो हमारी सहाबा इकराम थी
हजरत आमिरा रदी अल्लाह ताला अनु। तो दोस्तों यहाँ दिल चीर जाता है, दिल फट जाता है। जंग अहद में 70 जख्मों के निशान होने के बावजूद कुफार को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने ना दिया। कुफार हजरत आमिरा रदी अल्लाह ताला अनु अना को ये देखकर हैरान थे कि एक औरत इतनी बहादुर कैसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जंग अहद में हर तरफ आमिरा ही आमिरा दिखती है, सुभान अल्लाह, रदी अल्लाह ताला नु ही नजर आती है। ये मेरे रसूल खुद फरमाते हैं इस औरत के बारे में। और आपको बता दे, इस जंग अहद में औरतों ने कितनी कितनी मदद की है आपको बता दे। तो दोस्तों ये जंग अहद वो जंग आदत है, गजवाए जंग अहद, इसमें हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अनु उन्होंने क्या किया है, अपने सर को छुपा के अपने पैर कमर पे वो मशक एक पानी भर के लाती थी, और उनके साथ तमाम जो साहबिया जो आना थी वो सब उनके साथ औरतें दो तीन मिलके, और एक मशक ख़त्म हो जाती थी और वो पानी लेके मशक उनको पानी पिलाती थी। हम ये नहीं कहते, अरे मैं अपनी माँ और बहनों से यही गुजारिश करता हूँ, क्या आज का तुम वो क्या करती हो, आज तुम नहीं पता हमारा इस्लाम ऐसे नहीं मिला। मेरी बहनों मेरी माओ, तो आपको मैं बता दूं, ये हजरत आमिरा और याद करो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अनु को के वो जंगे ओद में ऐसे गजवाए जंगे ओद में उन्होंने एक दुश्मनों के एक तरफ इतने हमले थे, जो कुफारे मक्का थे, जो वहाँ पे जाहिल लोग थे वो किस तरह से वहाँ पे हमला करते थे, लेकिन हमारी जो साहबा इकराम आना थी उन्होंने अपने ही, अब जंग की एक बात नहीं, जंग तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन तो दोस्तों वो हमारी साहबा इकराम सबसे पहले हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अनु वो मशक भर भर के लाती थी, और जो जख्मी होते थे उनको जख्मों को उनको धोती थी और उन्हें पानी पिलाती थी, सुभान अल्लाह। और आज की औरतें देखो मेरे दोस्तों, अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, घर में कोई मुसीबत आ जाए, वो अपने शोहर को किस तरह बुरा भला कहती है। और वो औरतें, वो जंग ओद की औरतों को याद करो, क्या हम कुछ नहीं दिखाई देता, क्या हम इतने बेगैरत हो चुके हैं? नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरी प्यारी मुसलमान बहनों माओ, याद करो उस जंग ओद को, क्योंकि औरतों ने कितना कितना ही जंग ओद में अपना भरपूर दोस्तों तान किया है और मदद की है, तमाम साहबे किराम की मदद किया है, जिसको हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ करते ना थकते, सुभान अल्लाह। हजरत आमिरा, आपको पता नहीं हजरत आमिरा रदी अल्लाह ताला के जब इतने जख्म हो गए, लेकिन प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक भी तीर ना एक ना कुफार को आने दिया उन्होंने, सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी माँ और बहनों को यही बेगुजारिश करता हूँ, वैसी बनो, उनको याद करो और देखो इस्लाम की औरतें कैसी होती है, कैसे बहादुर होती है, ना कि वो एक ऐसा अपना खुला जिस्म रखेंगी, नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। बस अल्लाह से डरो मेरी माँ और बहनों, अल्लाह से डरो और याद करो जंगे ओद की औरतों को, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।